लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर कई सारी चर्चा होने लगी और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का निधन भले ही 14 जून 2020 को हुआ हो लेकिन आज सुशांत के निधन को 19 महीने का वक्त बीत चुका है। सीबीआई की जांच सुशांत के मामले पर जारी है लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट किसी को नहीं मिल रही। ऐसे में सुशांत का परिवार कर रहा है लगातार उम्मीद कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब सीबीआई अपना फैसला सुनाएगी और सुशांत को इंसाफ दिलाएगी। खैर ये तो सुशांत के केस को लेकर बात हो चुकी है जो अभी तक ड्रामा सुशांत के केस को लेकर चल रहा है लेकिन इस बीच अब महेश भट्ट की बेटी यानी कि पूजा भट्ट सामने आ चुकी है जिसने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर खुलासा ही नहीं किया बल्कि खुद को लेकर भी एक ऐसा सच बताया जिसे जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या कुछ कहा पूजा भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में और अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा कौन सा राज पूजा भट्ट ने खोला जिसका कनेक्शन सीधे तौर पर सुशांत के साथ है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट। अब पूजा भट्ट ने किया है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर एक बेहद ही बड़ा खुलासा और इस खुलासे में सिर्फ पूजा भट्ट ने सुशांत को लेकर बात नहीं कही बल्कि सुशांत के साथ उनका कौन सा गहरा कनेक्शन है या फिर सुशांत की तरह पूजा भट्ट के साथ क्या कुछ हुआ था इन सभी बातों पर पूजा भट्ट ने अब खुलकर बात की है। दरअसल एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने इस बात को स्वीकारा और कहा कि उन्हें भी नशे की बुरी लत लग चुकी थी। दोनों ही इच्छाएं उनकी यहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पूजा भट्ट नशे में इतना ज़्यादा डूब चुकी थी कि पूजा भट्ट ने अपने करियर को दांव पर लगाने का फैसला ले लिया था लेकिन इस नशे की हालत से उबर पाना पूजा भट्ट के लिए बेहद मुश्किल था। इस वजह से पूजा भट्ट को नशे से निकालने के लिए मुंबई के पास पुणे में नशा मुक्ति केंद्र था जहां पर महेश भट्ट और पूजा भट्ट को नशे की लत से हटाने के लिए यहां भेजा गया जिसके बाद महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने यह भी कहा कि उनकी ज़िंदगी किस तरह नशे में जाने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी और पूरी तरह से उलझ भी गई थी। महेश भट्ट और पूजा भट्ट दोनों ने अपने दर्द को बयां किया और दर्द को बयां करते हुए पूजा भट्ट के साथ महेश भट्ट भी बुरी तरह इमोशनल हो गए। इस मौके पर पूजा भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जो हालत हुई थी निधन से पहले उस पर भी खुलासा किया। दरअसल पूजा भट्ट ने कहा आमतौर पर लोग मुझे एक्ट्रेस फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट के तौर पर पेश करती हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि लोग कहें कि पूजा भट्ट नशे की हालत से अब उबर चुकी है। लोग मुझे फिल्म डैडी की वजह से याद करते हैं जिसमें मैंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसमें उसके पिता काफ़ी ज़्यादा शराबी थे। असल ज़िंदगी में मेरे पिता महेश भट्ट के एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। दरअसल नशे की हालत मुझे थी उस वक्त मेरे पिता भट्ट साहब ने मुझे मैसेज किया कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। उस दिन पूजा भट्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसने फैसला लिया कि अब वो कभी भी नशा नहीं करेगी। इसके बाद पूजा भट्ट ने कहा कि नशे की आदत को उसने स्वीकार किया लेकिन लोग उसे ऐसा नहीं करने देते थे। कोविड काल में भी उसे अकेलापन महसूस होता था। वो मेंटली टॉर्चर पर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। यहाँ तक कि पूजा भट्ट के मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आए कि अब उसे अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए लेकिन यहाँ पर फाइनली पूजा भट्ट ने ऐसा नहीं किया और ख़ुद को इस नशे की हालत से उबारने की पूरी पूरी कोशिश की। इसी के साथ पूजा भट्ट ने कहा कि जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई या मेरे परिवार ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये होता तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हम सब के बीच होता। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को दिखाया गया उससे लोग डर गए हैं अगर हमने मदद मांगी तो हमें कहीं अपराधी ना समझा जाए।
आज के इस केंद्र की ज़रूरत है। अगर आप नशा करते हैं तो आप अपराधी नहीं हैं। अगर नशे की आदत वास्तव में एक बीमारी है और इसके बिना किसी शर्म के अन्य बीमारियों की तरह इलाज होना चाहिए। हमें ऐसा केंद्र चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये केवल एक ऐसा केंद्र हो बल्कि और भी बनाए जाने चाहिए। आप भी देखिए क्या कुछ यहाँ पर पूजा भट्ट ने कहा है। बता दें कि पूजा भट्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से पूजा भट्ट को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा गया था, जिसकी मदद से पूजा भट्ट उस नशे से उबर पाई और फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने लगी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर, और आज पूजा भट्ट जिंदा है, हम सब के बीच है। इसी पर पूजा भट्ट ने कहा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को भी नशे की आदत लग चुकी थी तो वो अपने इस नशे की आदत को छुड़वा सकता था अगर यहाँ पर उसकी फैमिली, उसके दोस्त अच्छे से उसे गाइड करते या सपोर्ट करते। इमोशनल सपोर्ट अगर सुशांत सिंह राजपूत को मिलता तो शायद यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत जो आज हमारे बीच नहीं है, उसकी वजह ये कि उसे नशे के दौरान ना तो किसी का अच्छा सपोर्ट मिला, ना ही किसी ने साथ दिया, ना ही किसी ने गाइड किया, और ना ही यहाँ पर उसे नशे से निकालने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि सुशांत को ये भी लगा कि अगर वो ऐसी जगह नशा मुक्ति केंद्र जाएगा तो उसकी इमेज पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे काम नहीं मिलेगा, लोग उसे भला बुरा कहेंगे, और इसी वजह से वो अकेले घर में इन चीज़ों से लड़ता रहा और आखिरकार सुशांत इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, नशे की कारण वो खुद को नहीं छुड़वा सका, और इसी वजह से उसने आखिरकार आखिरी समय में अपने आप को ख़त्म करना ही सही समझा। तो ये है पूरी खबर, जहां पर खुद पूजा भट्ट ने किया है चौंकाने वाला खुलासा और बताया है सच। पूजा भट्ट ने अपने साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट पूजा भट्ट को लेकर, जहां पर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने ही सुशांत के मामले पर सिर्फ चुप्पी नहीं तोड़ी बल्कि अपनी जिंदगी का वो सच भी सबको बताया, जिसकी वजह से सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी राय क्या है वो बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।